पहले समर का रण था, रण बड़ा भीषण था, लेकिन दूसरे की तैयारी बीजेपी किस कदर कर रही है। एक बार फिर से ये जरा हुजूम देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जोश जुनून उत्साह में लबरेज हुए हैं, लोग अपनी बातें भी कहना चाहते हैं। महिलाओं से जरा बातचीत कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इंतजार हो रहा है। खड़े हैं हम 5 बजे से, अभी तक मोदी जी आवे तो हमको फूलमाला लेकर फूल लेकर आए हैं। जैसे जैसे गुजरेगा, जरा यहाँ से आप तस्वीरें देखिए, जैसे जैसे ये गुजरेगा काफिला, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जितनी दूर तक आप चली जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह से सड़कों पर लोग लगे हुए हैं। जितनी दूर तक आप जाएंगे सड़कों पर, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं अपने अपने परिवारों के साथ, और ये मोदी का मुखौटा लगाकर थोड़ा जगह दीजिए। ठीक है, आराम से छोड़, ठीक है। यहाँ जहाँ तक आप नजर डालेंगे, आप देखिए किस तरह से बेसब्री से इंतजार करा जा रहा है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई है, चूंकि दूसरे चरण के लिए 5 तारीख को वोटिंग होगी, उसके लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां खुद मोर्चा संभाल लिया है अहमदाबाद की सारी सीटें जीतने का, तो वहीं अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के मुखिया की ओर से भी आज गुजरात में यहां पर अहमदाबाद में बड़ा रोड शो किया गया। उनके साथ पंजाब के सीएम की भी मौजूदगी थी, उनके साथ हरभजन सिंह भी सांसद और क्रिकेटर आए हुए थे। कांग्रेस पार्टी का भी अपना जोर और अपना वादा, लेकिन यहां पर इंतजार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, जो कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे, मोदी मोदी के नारे तो आप सुन रहे हैं, बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री सुभाष सर्कल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज पूरे दिन दिग्गजों ने कैसे झोंकी है अपनी ताकत, उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ये नरेंद्र मोदी का रोड शो है, भव्य रोड शो। लोगों का हुजूम उमड़ा है, लोग नारों के साथ है, जयकारों के साथ है। कोई भगवा रंग बिरंगा है, कोई कमल के रंग में खिला है। ये मोदी का ये रोड शो 50 किलोमीटर लंबा है। सरल, निखालस, लागणीशील, जेमनी वाणी मा सत्यता नी नजीक करे। प्रधानमंत्री का ये रोड शो उन 16 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने की उम्मीद है, जहां 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह, और जब वो चौराहे के बीचों बीच वहां पर पहुंचे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा संदेश, यहाँ पर चारों तरफ लोगों का हुजूम है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे, उधर आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया है। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस रोड शो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरभजन सिंह भी मौजूद। केजरीवाल ने यहां फिर से दोहराया कि इस बार गुजरात में परिवर्तन होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी यही कहना है कि गुजरात में इस बार परिवर्तन की लहर है। जहां जहां भी गए हैं परिवर्तन की लहर है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे गुजरात की प्रॉब्लम है, गुंडागर्दी, गरीबी, पेपर फूटना, बेरोजगारी, तो लोग इस बार 27 साल पुराने सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उनके पास पहले विकल्प नहीं था, कांग्रेस बिक जाती थी। कांग्रेस वाले तो आज भी अगर कोई जीत गया सबसे पहले भाजपा को फोन करेंगे कि बताइए हमारी कीमत, हम आपकी तरफ आना चाहते हैं। कांग्रेस इज नॉट चेंज, कांग्रेस इज एक्सचेंज। किसी को 4 ले लो, किसी 8 ले लो, वो तो कांग्रेस तो इलेक्शन छोड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भी आपके पक्ष में प्रचार किया और जीत का भरोसा जताया। जी यहाँ पर एक और क्रिकेटर हैं जो खुद तो नहीं उतरे हैं, उनकी जो वाइफ है वो उतरी है, रिवाब जडेजा। तो आपको लगता है कि आप रविंद्र जडेजा को हरभजन सिंह टक्कर दे पाएंगे? आप आम आदमी पार्टी के प्लेयर हैं, वो भाजपा के प्लेयर हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वो दूसरी पार्टी से आए हैं, मैं यहाँ पे दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री आया हूँ, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, और जनता किसको न्याय देगी, माननीय श्री भगवान।